अरबी की सब्जी चाहे सूखी हो या रसेदार सभी को बहुत पसंद आती है। तो हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अरबी की बहुत ही टेस्टी सब्जी। आप इस सूखी मसालेदार अरबी की रेसिपी बनाकर एक बार जरूर देखें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं आधा केजी अरबी और इनको हमने पानी से अच्छे से धुल लिया है जिससे इन पर लगी हुई मिट्टी और बालू हट जाए। अब हम अरबी के छिलके को हटा देंगे। तो जब भी आप अरबी को छीलें तो हाथों पर सरसों का तेल जरूर लगा लें। अगर आप हाथों पर सरसों का तेल नहीं लगाएंगे तो अरबी छीलने से आपके हाथों में खुजली होने लगेगी। तो इस तरीके से हम सारी अरबी को छील कर तैयार कर लेंगे। अब हम अरबी को इस तरीके से कट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमें इसको ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस में कट करना है। अब हम इनको पतले लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। आप इस अरबी को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। इनको पतले लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ। हम फ्रेंच फ्राइज कट करते हैं, उसी तरीके से हम इनको भी कट कर लेंगे। तो अरबी को कट करने के बाद हम इनको तुरंत पानी में डाल देंगे। अगर हम इनको पानी में नहीं डालेंगे तो ये लाल पड़ जाएंगी। अब हम अरबी को अच्छे से धुल लेंगे। तो हमें 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धुल लेना है। तो हमने अरबी को धुल कर इसका पानी निकाल दिया है। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑयल। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी हींग। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन। तो जब भी हम अरबी की सूखी सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम अजवाइन का यूज़ जरूर करते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। दोनों चीज़ें थोड़ी सी भुन जाएं तब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी अरबी। अरबी को हम अच्छे से चला लेंगे। हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को धीमा रखना है। अगर हम इनको तेज आंच पर पकाएंगे तो ये जल जाएंगी, क्योंकि हम यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और धीमी आंच पर हम अरबी को ढक कर पकने देंगे। तो बीच में हम अरबी को चलाते भी रहेंगे ताकि ये तली में जले ना। तो जब तक हमारी अरबी पक रही है तब तक हम एक पैन लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल, 2 छोटी चम्मच चना दाल, 10 से 12 काली मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1.5 छोटी चम्मच साबुत खड़ी धनिया। साथ ही हम ऐड करेंगे 4 काजू। अब हम सभी चीज़ों को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। तो मैं यहाँ पर थोड़े से करी पत्ता ज़्यादा ही डाल रही हूँ और करी पत्ता डालकर हम उनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो करी पत्ता को भी हमने लगभग 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 सूखी खड़ी लाल मिर्च, क्योंकि हम यहाँ पर अरबी की सब्जी थोड़ी सी चटपटी बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर सूखी मिर्च का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अगर हम सूखी खड़ी लाल मिर्च को पहले ही डाल देते तो ये जल जाती। तो सूखी खड़ी लाल मिर्च डालने के बाद भी लगभग 2 मिनट हो गए और सभी चीज़ें हमारी अच्छे से भुन गई हैं। तो आवाज़ सुनकर ही आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें हमारी बढ़िया से भुन गई हैं। अब हम इनको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे जिससे जल्दी से ठंडे हो जाएं। और जब ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाएं तब हम मिक्सी जार की सहायता से इनको बारीक पीस लेंगे। अब हम अरबी को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अरबी के ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर दिखने लगी है। तो ध्यान रखिएगा, अरबी को हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि सभी अरबी अच्छे से पक जाएं। तो हम अरबी को कट करके दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अरबी हमारी कितने अच्छे से पक गई है। तो अब हम इन अरबी को एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम फिर से इसी पैन में 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। तो जब तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। साथ ही हम डालेंगे 6 से 7 करी पत्ता और दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। और 1 चम्मच हम अदरक और लहसुन को कूट कर डालेंगे। मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को खल्लड़ की सहायता से कूट लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के प्याज जिनको हम बिल्कुल बारीक कट करके डालेंगे और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज को हमें बढ़िया से भूनना है। तो यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्याज हमें बिल्कुल बारीक कट करके डालना है। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को हम बीच से इस तरीके से कट करके डालेंगे और हरी मिर्च को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी। अब इनको भी हम अच्छे से चला लेंगे और इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने भुने हुए साबुत खड़े मसाले जिनको हमने मिक्सी की सहायता से बारीक पीस लिया था और सारे मसाले को हम इसमें डाल लेंगे। और एक बार हम फिर से इन मसालों को लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे अपनी फ्राई की हुई अरबी और अरबी को हम अच्छे से इसमें चला लेंगे। तो हमें इनको आराम से चलाना है ताकि अरबी हमारी टूटे ना और मसालों की अरबी पर अच्छे से कोटिंग हो जाए।
अब हम अरबी को ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम अरबी को एक मिनट के लिए पकने देंगे। तो एक मिनट हो गया है, हमारी तो अरबी पककर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और हरी धनिया डालकर हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लग रही ना कितनी अट्रैक्टिव, जिसको देखते ही खाने का मन हो जाए। आप इसको गर्मा गर्म पूरी, पराठा, रोटी किसी के भी साथ सर्व करिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।